यूरोप ते फ्रांस भेजन की डील करके बुला लेंदे दुबई अते पासपोर्ट खो के कर लेंदे नज़रबंद। ग्रोह विच औरत भी निभा रही है अहम रोल। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसकी जानकारी असी तुहानू देने हाँ इस वीडियो राही। विदेश भेजन के नाम से ठगिया के कई तरह के किस्से अक्सर ही सुनने मिलते रहते हैं। हुण गुरदासपुर के एक होर अजिहे ठगी का शिकार होए नौजवान की शिकायत तो बाद पुलिस ने एक होर अजिहे ग्रोह के तीन मैंबरों वल खिलाफ मामला दर्ज किया है। दसिया जा रहा है कि दोषी फ्रांस और यूरोप के देशों में भेजन की डील करके नौजवानों दुबई बुला लेंदे हन अते उन्हां दा पासपोर्ट आदि खो के तीन चार महीने दुबई में ही उसनों नज़रबंद कर लेंदे हन। खास गल यह है कि इस ग्रोह में एक औरत भी अहम रोल निभा रही है। मामले में शामिल किए गए बाकी दे दो दोषी आपस में प्यो पुत हैं। एक होर खास गल यह शिकायत शिकायतकर्ता ने दसिया कि ये लोग अपने शिकार नौजवानों को दुबई बुला के उन्होंने ना तो बैंक को लखां रुपया का कर्जा तो मोबाइल फोन लैके दोहरी ठगी करते हैं। दुबई गए कई नौजवान किसी तरह अपने पासपोर्ट हासिल करके इन्होंने चुंगल विचों निकल के वापस परतन कामयाब हो गए हैं। जिन्हां विचों एक राहुल नाम के नौजवान ने पुलिस में शिकायत की थाना सदर की पुलिस वालों शिकायत की DSP रैंक के अधिकारी पासों पड़ताल कराने बाद मामले में दोषी लड़के के पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बाकी तुम खुद सुनो की है पूरा मामला। भाई मैं ना दुबई बुलाया रजत काटन ने भाई भाई मैं फ्रांस जाना सीगा टोटल 13 लाख मेरी डील हुई थी। भाई इन्हों मैं गलबात की फ्रांस भेज दो भाई इन्होंने कहा भी पहला 6 लाख लगेगा बाकी करके इन्होंने भाजी 6 लाख लैके 6 लाख इन्होंने मैं 3 किस्तें दिता और मैं पुलिस को सारा कुछ देता भाजी जिदा ने सारा कुछ क्लीयर करता पुलिस में सारे 1-1 रुपया क्लीयर हो गए। इन्होंने भाजी ना दुबई बुला लिया तो उत्थे बुला के ना मेरे नाते भाजी इन्होंने लै लिया लोन लोन लैके तो भाजी मतलब कि मेरे लाते 2 कार्ड इन्होंने लै लिया क्रैडिट कार्ड चैकबुक भाजी मेरे तो इन्होंने साइन करा के रख लिए चैकबुक साइन कराए भाजी तो फोन वगैरह सारा कुछ मतलब जो जो हो सकता इन्होंने वो कुछ किया भाजी। भाजी एक ना कुड़ी आ काजल महाजन जिहदे नाते कंपनी है काजल महाजन कुड़ी है भाजी इहदे नाते कंपनी है यह कुड़ी सब कुछ कराती है भाजी नाल रजत रजत दे नाल रहती है भाजी। इन दोवों ने बहुत ही ज़्यादा भाजी फ्रॉड किया बहुत ज़्यादा घट तो घट भाजी आप 20 जने से भाजी 20 जने किसी 5 लाख किसी 6 लाख किसी 10 लाख किसी 13 लाख इदा पैसे देते हैं भाजी तो वाधू बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया इन्होंने इन्हों का हाँ जी भाजी बुलाते वैसे फ्रांस वास्ते यूरोप वास्ते ज़्यादा बुलाते भी यूरोप तुम्हें भेजा भाजी भेजना भुजना किसी नहीं किसी कितने किसी नहीं भेजे जाने सारे बंदे वापस ही आए हैं। पासपोर्ट भाजी अपने को रख लेंगे बंदे का बंदा फसया हों कुछ कर ही नहीं सकता बैंकर आते हैं भाजी इन्हों को बैंक वाले इन्होंने आप ही इन्हों की सैटिंग होंगी है बैंक वाले आते हैं आप ही अकाउंट खिलाते हैं बंदे का चैकबुक अपलाई आप कर देंगे क्योंकि ID भाजी रख लेंगे ना अपने को ID सब कुछ भाजी अपलाई कर लेंगे जो इन्हों चाहिए सिम चाहिए वा फोन चाहिए वा सारा कुछ भाजी कर सकते हो भाई। मैं भाजी 4 महीने रहा उसे मेरे को भाजी कुछ नहीं बस इवें इन्होंने फॉर्मल एड्रैस बुला के तो ऑफिस भा लेना बस कि तुम अज भेज देंगे बाहर कल भेज देंगे बाहर तो भेजन का भाजी कोई है ही नहीं भेजा है ही नहीं किसी ने भाजी जो मैंने पता लग गया इन्होंने ना मैंने सिम देती कि गलती जी सिम इन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम लई थी मेरे नाते वो सिम मैंने देती इन्होंने गलती कि आ सिम भाजी तुम्हें पा लो अपने फोन जो सिम पाई भाजी सारे क्रैडिट कार्ड के मैसेज मैनू आ गए जो मैसेज आए भाजी मैंने पता लग गया भी मेरा फ्रॉड है मैं नाल दे मुंडे नूं दस्या मैं क्या भी आह गलबात हो गई है तो आप कहिंदा बैंक चली आप भाजी NBD बैंक गए उत्थे जाके पता किया तो मेरे नाते भाजी 40,000 दरम का कार्ड बज गया जी वो भाजी तुम्हें मैं दसना भाजी मैंने मैसेज आया सी मैसेज मैं दिखाया पुलिस ने भी दिखाया फिर भाजी इन्होंने जिमें भी उत्थे बहुत बंदा फसया था भाजी हो सकता तुम सारा कढ़ाओ गुरदासपुर के भाजी 6 बंदे ने हाँ जी 5 कंप्लेटा चल दी पा एक भाजी मुंडा हैगा वो भी बड़ा भैड़ा फसया था मुंडा वो नाते भाजी मेरे तो लोन हाले 2 कार्ड है वो मुंडे के नाते 5 कार्ड ने भाजी 5 क्रैडिट कार्ड ने बंदा ना मैंने किसी ने मैसेज दिता ही वह कि जे कि हो सकता वह हल करो वो भाजी बंदा बाहर रह रहा है करो
ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਹੈ ਕਰੋੜਾ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਰਜਤ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਜੀ ਬਸ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੋ ਭਾਜੀ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਫਰੋਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਉਹ ਵੀ ਕਢਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਮਰਿਆ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਭਾਜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਆਈਸੀਯੂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਵੱਜੇ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਆਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜਨ ਇਹ ਜੀ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 420 ਜੀ ਅਤੇ 13 ਟਰੈਵਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਜਤ ਸਾਧਵ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਕਾਦਰਮਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 6,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਜਤ ਅਤੇ ਕਾਜਲ ਮਹਾਜਨ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹਲੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ